नेक्स्ट क्वेश्चन है एम सी क्यू सी टेट दो हजार इक्कीस के एग्जाम्पलर में सी डी पी सीरीज़ के अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग द इम्पॉर्टेंट टर्म इन दिस स्टेम इज क्रिटिकल थिंकिंग ओके हम हमें अब क्रिटिकल थिंकिंग का मीनिंग पता होना चाहिए ऑलरेडी लाइफ स्किल्स जो टेन कोर लाइफ स्किल्स हैं डब्ल्यू एच ओ की तरफ से बताई गई वही सी बी एस ई ने अडॉप्ट किया वही हमारे स्कूल्स के सलेबस में है उनमें से एक लाइफ स्किल क्रिटिकल थिंकिंग है ठीक उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो अल्टरनेटिव हमारे पास क्या हैं फर्स्ट है डू यू नो द आंसर ऑफ दिस फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं सिंपल सी एग्जाम्पल जो सबको समझ आ जाए मान लीजिए तीन गुना दो करवाया जा रहा है और यह क्वेश्चन पूछा गया डू यू नो द आंसर ऑफ दिस बच्चे क्या कहेंगे यस और नो पहले में कितनी थिंकिंग यूज हो रही है जस्ट यस और नो वट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ओके मैम सर सिक्स और कोई बच्चा अगर गलत है उसको नहीं पता तो कोई और आंसर देगा जस्ट आंसर दे दिया कितनी थिंकिंग लगी कितनी मेंटल एनर्जी लिखी लगी कोग्नेटिव एनर्जी कितनी लगी ये हम असेस कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है वो क्वेश्चन हमेशा अच्छा समझा जाता है क्योंकि वो थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है दैट इज़ वाई जब बी एड में आपको टीचर uh, एजुकेटर भी समझाते हैं कि uh, जिसका यस yes, नो no में आंसर आए वो क्वेश्चन नहीं पूछना है। उसके कभी कभी पूछे जा सकते हैं लेकिन प्राइमरी पर्पज़ होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लास में सभी बैठे लर्नर्स को सोचना पड़े ठीक है सोचने की डायरेक्शन जब चेंज होती है वो क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग लेटरल थिंकिंग टाइप ऑफ थिंकिंग है वो बाद में करते हैं तो यहाँ पहले क्वेश्चन का भी यस yes, नो no, आ रहा है दूसरे का भी जस्ट उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी लग रही है पहले में अगर इतनी एनर्जी लग रही है दूसरे में इतनी एनर्जी लगी हुई है अच्छा थर्ड इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल वेरी इजी बच्चे कह देते हैं यस और नो बस इतना है ओके तो इसमें भी बहुत कम एनर्जी लगी वट आर द डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस अच्छा इसको डिफरेंट वेज क्या हैं मेरे ख्याल में अगर बच्चों से नहीं अगर अध्यापकों से भी ये पूछा जाए कि इसको सॉल्व करने के डिफरेंट वेज क्या हैं चलो सोचते हैं हम अच्छा एक हो गया सर जी ये तीन जमा तीन ऐसे भी किया जा सकता है ओके okay. सर जी दूसरा बताता है दो जमा दो जमा दो सर ऐसे भी किया जा सकता है एक तीसरा उठता है सर एक, एक एक करके ये थोड़ा आसान हो जाता है ऐसे भी किया जा सकता है और दूसरे ने इधर से सीख लिया कहते सर ऐसे भी किया जा सकता है तो आ, आ, एक और बच्चा उठा उसने कहा क्लैप लगाई कहते सर तीन बार क्लैप लगाई एक क्लैप की थ्री टाइम और फिर बच्चे को कहा कि फिर तीन टाइप क्लैप करो वन टू थ्री तो जितनी क्लैप हुई वो इसका आंसर होगा ऐसे ही एक ने टॉफ़ी के साथ टॉफीज़ के साथ कर दिया आ, तीन बार तीन टॉफी प्लस तीन टॉफी ऐसे कर दिया अच्छा क्लैप एक ने दो बार फिर दो बार फिर दो बार ऐसे कर दिया अच्छा वो कहता क्लैपिंग भी ऐसे हो सकती है दो क्लैपिंग प्लस दो क्लैपिंग प्लस दो क्लैपिंग अब देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है जितने भी डिफरेंट वेज बच्चा या अध्यापक कोई भी सोचता है ये मैंने सोचे थे जस्ट एक एग्जाम्पल आपको देने के लिए तो जितने आप वे सोच रहे हो आपका माइंड क्या कर रहा है कभी इस तरफ सोच रहा है कभी इस तरफ सोच रहा है ओके okay? कभी इस तरफ सोच रहा है 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 देयर आर अनलिमिटेड वेज टू थिंक अनलिमिटेड 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 तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कोई लिमिट ही नहीं है तो ये जो हम राइट right आंसर तो सीधा ढूंढ सकते हैं वहाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग सिंपल आ गई तो जहाँ पर डिफरेंट वेज आपको सोचने होते हैं सॉल्यूशन सोचने होते हैं तो वहाँ होती है आ जाती है डायवर्जेंट थिंकिंग डाइवरजेंट थिंकिंग और ये हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग सॉरी गड़बड़ हो गई चलो कोई बात नहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग ये हम जानते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग ओके, ओके डाइवर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे थे तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग किसको जन्म देती है क्रिएटिव थिंकिंग को अब जब डिफरेंट वेज हमने सोचने होते हैं जिसमें न्यू सल्यूशन हम सोचते हैं उस थिंकिंग को कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग पर आप खुद देख लीजिए सीबीएसई ने एग्जाम्पल में क्या लिखा है क्रिटिकल थिंकिंग अगर इस स्टेम को आप उड़ा भी दें सिंपल ऐसे सोचें इसमें से कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है साफ दिखाई दे रहा है जो डिफरेंट वेज आपको सोचने के लिए मजबूर करता है और वो क्रिएटिव थिंकिंग है क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ देख लीजिए कंसेप्ट नहीं यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग लिखा है इट मीन्स यहाँ कोई गलती है जहाँ मैं कोई गलती कर रहा हूँ ये आप खुद जज कीजिए uh, और इसके बाद ये कंपेयर करना ज़रूरी है कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में क्या डिफरेंस है क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग में न्यू नॉवल सॉल्यूशंस होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में आप जो कंसेप्ट या इशू या प्रॉब्लम जहाँ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है किसी टीचर ने कोई आपको बात बताती कि बेटा बैट, ऐसे ऐसे होता है ठीक है तो आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो सिंथेसाइज करते हो करते हो एविडेंस से कंपेयर करते हो लॉजिक से देखते हो पिछली थ्योरी से पिछले प्रिंसिपल से साइंटिफिक प्रिंसिपल से कंपेयर करते हो अगर आप ब्लूम की टक्सोनोमी में देखो तो आ, यहां पर अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग ये सारे आस्पेक्ट यहां पर ये यह चार वाले क्रिटिकल थिंकिंग में आते हैं और इनके बेस पर जब नई चीज आप नया फार्मूला नया इशू नया सोल्यूशन नया आंसर ढूंढते हो नए कितने सोल्यूशन ढूंढे हम तीन गुना दो करने के लिए तो वो क्रिएटिंग है क्रिएटिव थिंकिंग है तो इनमें डिफरेंस साफ है क्रिएटिंग इज हाइएस्ट इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी ओके तो ये आंसर आपको मेरे ख्याल में सीधा क्लियर होगा कि इसमें से कौन सा आंसर है कि कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग करता है यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग मेरे ख्याल में नहीं आएगा मैं भी गलत हो सकता हूँ यहाँ क्रिएटिव ही आएगा क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग न्यू सोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए होती है थैंक यू